हेलो फ्रेंड्स हिस्ट्री विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे और बहुत सरल चैप्टर है पृथ्वी का उष्मा बजट देखिए सबसे पहले हम उषमा बजट क्या होता है इसको ज़रा समझ लें बहुत इजी चैप्टर है हो सकता है कि आप किताबों में इसको पढ़ते हो और थोड़ा बहुत आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लगता हो लेकिन ये पूरी तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो उसमें बजट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहेगा पूरी तरीके से ये आपको समझ में आ जाए देखिए उसमें बजट पहले क्या है जैसे कि आपका अपना बजट होता है कि आप इनकम करते हैं खर्च करते हैं तो इनकम और खर्च का जो संतुलन है जो अंतर है वो एक बैलेंस निकलता है कितना बचत हुआ या ज़ीरो हो गया और यही बजट कहलाता है यानी कितना आपने प्राप्त किया और कितना आपने खर्च किया इसी को बजट कहते हैं उष्मा बजट का सीधा सा मतलब है कि सूर्य से कितना इंसोलेशन पृथ्वी तक आया और फिर पृथ्वी ने उसमें से कितना किस रूप में खर्च किया ताकि आगे जा कर के जो बैलेंस है वो एक संतुलन में निकल करके आए तो इसी को कहते हैं बजट उष्मा का बजट तो इस चैप्टर में हम सीधा सा ये समझेंगे कि सूर्य से कितनी एनर्जी आई उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी ने उस एनर्जी का क्या किया तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से पूरा समझते चलेंगे और कुछ भी आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ आपको बहुत क्लियर हो जाएगा एक जो हमारे विचारक हैं जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जी टी था जी टी त्रिवार्था जी टी त्रिवार्था के अनुसार ही जो हीट बजट है उसको मैं समझाऊंगा आपको और वो बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो स्कॉलर का नाम है जी टी त्रिवार्था पूरा स्क्रीन में खाली कर देता हूँ इसको ताकि आपको पूरी तरीके से डायग्राम बना के बताऊँ देखिए है यहाँ पे आपका सन इसी तरीके से आप बना लेंगे सन देखिए सूर्य से जितना भी रेडिएशन निकलता है उसका दो अरबवा हिस्सा हम तक पहुंचता है हमारी पृथ्वी की तरफ आता है और उसी को कहते हैं इंसोलेशन सूर्य से इंसोलेशन निकलता है सूर्य तप अब जो भी दो अरबवा हिस्सा है उसको हम 100 प्रतिशत मान लेते हैं देखो यूनिट या प्रतिशत मान के चलते हैं तो जीटी त्रिवार्था ने जो बताया है उसके अनुसार प्रतिशत में मान के चलते हैं तो प्रतिशत ही मान लेते हैं सौ प्रतिशत इंसुलेशन सौ प्रतिशत इंसुलेशन पृथ्वी की तरफ चलता है और ये लघु तरंग दैर्ध्य का इंसुलेशन है लघु तरंग दैर्ध्य लघु तरंग दैर्ध्य का इंसुलेशन है ये पृथ्वी की तरफ चलता है हंड्रेड परसेंट अब सबसे पहला जो इसका सामना होता है वायुमंडल में वो है कि वायुमंडल की जो बादल वगैरह होते हैं वहाँ से सबसे पहला इसमें जो है परावर्तन होता है तो ट्वेंटी सेवन परसेंट ट्वेंटी सेवन परसेंट कहाँ से निकल जाता है ये हैं बादल बादल से परावर्तन पीछे भी क्लास में भी हमने बताया था आपको तो बादलों से परावर्तन कितना हो जाता है 27 परसेंट ये कहा गया अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में चला गया तो अब कितना बचा आगे बढ़ाइए इंसुलेशन अब यहाँ पे कितना बचा 27 निकाल दीजिए अगर 100 से हर एक स्तर से आपसे पूछा जा सकता है 27 निकाल देंगे तो आपका 73 अब 73 परसेंट यहाँ पर आपका बचा 73 परसेंट ट्वेंटी सेवन तो वापस चला गया अब सेवेंटी थ्री आगे जो है वायुमंडल के धूल कण इत्यादि से यानी कि यहां पे आपका सामना हुआ वायुमंडल के धूल कण से अब धूल कण से क्या होगा धूल कणों आदि से परावर्तन भी होगा परावर्तन विसरण, प्रकीर्णन ये सभी घटनाएं होंगी वायुमंडल के धूढ़ कणों से और यहां से भी जो है छ प्रतिशत छ प्रतिशत जो है यहां से निकल जाएगा अब इसके आगे बढ़ेगा ये कितना बचा छ और इसमें से घटा दीजिए तो आपका बचा सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन बचा यहाँ पे सिक्सटी सेवन परसेंट जो है वो और आगे चलता है और इसमें से भी पृथ्वी पर जब ये पहुँचता है तो यहाँ धरातल से भी परावर्तित हो जाता है दो प्रतिशत दो प्रतिशत आपका धरातल से परावर्तन धरातल से परावर्तन कितना दो प्रतिशत तो इस प्रकार से आपने देखा दो इसमें से और आप घटा दीजिए दो प्रतिशत तो आपका बचा सिक्सटी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट अब यहां पे पृथ्वी पे अभी हम देखेंगे कितना बचेगा तो इतना तो जो है हमारी पृथ्वी को बिना एनर्जी दिए हुए ही वापस चला गया है जितना हंड्रेड परसेंट आया था हंड्रेड परसेंट आ रहा था यहाँ पे देखिए कितना था हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट में से ट्वेंटी सेवन परसेंट वापस चला गया अंतरिक्ष में हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ उससे जीरो एनर्जी प्राप्त हुई आगे बढ़ा प्रकाश आगे बढ़ी जो विकिरण है सिर्फ प्रकाश नहीं कहेंगे प्रकाश का मतलब दृश्य प्रकाश हो जाएगा तो जो रेडिएशन है या विकिरण है सूर्य तब कहेंगे इंसुलेशन आगे बढ़ा वायुमंडल के धूल कणों से टकराया तो तीन घटनाएं हुई परावर्तन भी हुआ विसरण भी हुआ प्रकीर्णन भी हुआ सब कुछ आप जानते हैं क्या है तो इसमें से सिक्स परसेंट जो है एनर्जी अंतरिक्ष में चली गई इनकी वजह से जो हमें नहीं प्राप्त हुई फिर जो बचा सिक्सटी सेवन परसेंट वो आकर के पृथ्वी से टकराया लेकिन पृथ्वी में से दो परसेंट इसमें से भी हमको नहीं मिला दो परसेंट जो है बर्फ़ की चादरों इत्यादि से रिफ्लेक्ट हो गया चट्टानों से और वो अंतरिक्ष में चला गया अब ये टोटल देखें यहां पे ये आपका 27 सेवन प्लस सिक्स प्लस टू अगर इसको हम जोड़ दें तो ये निकलता है 35 परसेंट तो 35 परसेंट जो है विकरण बिना एनर्जी दिए बिना ऊर्जा दिए क्या हो गया वापस हो गया और इसको कहते हैं एल्बिडो, एल्बिडो, यानी कि जो विकरण हमको बिना इनर्जी दिए हुए वापस चला जाता है उसको कहते हैं एल्बिडो। तो 35 परसेंट हो गया एल्बिडो, कितना बचा 65 परसेंट अभी है अब 65 परसेंट टोटल पृथ्वी को नहीं मिला है अभी इसमें एक घटना और है वो घटना कौन सी है कि इसमें से आपका जो बादलों से टकरा के वापस हो गया ये परावर्तित हो गया इसके बाद में कुछ वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचा है वो चौदह परसेंट है कितना है चौदह परसेंट वायुमंडल अवशोषण द्वारा अवशोषण चौदह परसेंट ये वायुमंडल में अवशोषित हो गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ओजोन है जलवाष्प है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ये सारी गैसें क्या होती हैं जब सूर्य की किरणें इनसे टकराती हैं तो उसकी एनर्जी को ग्रहण कर लेती हैं और गैसें गर्म हो जाती हैं तो इस प्रकार से चौदह प्रतिशत एनर्जी कैलकुलेशन के आधार पर निकाला गया कि चौदह प्रतिशत सूर्य से आने वाला सूर्या वायुमंडल में अवशोषित एब्जॉर्ब हो जाता है तो 35 प्रतिशत ये एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ वापस चला गया 14 प्रतिशत हमारे वायुमंडल में आ गया है इसको आप ध्यान रखेंगे 14 प्रतिशत कहाँ आ गया वायुमंडल में आ गया है तो अब यह 14 प्रतिशत इसमें से और घटा दीजिए क्योंकि हमारी पृथ्वी को प्राप्त जरूर हुआ है लेकिन धरातल पर नहीं प्राप्त हुआ है तो चौदह और घटा दिया तो बचा कितना इक्यावन प्रतिशत इक्यावन प्रतिशत जो है वो पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होता है तो यहां पे कितना मिला इक्यावन प्रतिशत सूर्य तप सूर्य कहा मिला पृथ्वी पे? पृथ्वी अब देखिए इक्यावन प्रतिशत जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ है अब इससे क्या होगा इसको जरा समझिए यहां पर अभी जो इंसुलेशन आया उससे हमें कितना मिला है यानी हमारे अगर पृथ्वी जलमंडल स्थलमंडल वायुमंडल इसकी बात करें तो हमको प्राप्त कितना हो चुका है यानी हमारे वायुमंडल को क्या कुछ गर्मी प्राप्त हुई है तो ये तो बेकार चला गया 35 परसेंट से तो हमें कुछ मिला नहीं बादलों ने फेंक दिया वायुमंडल में धूलकर ने विसरण परासरण कर दिया ये प्रकीर्णन कर दिया तो इससे भी हमको कुछ नहीं मिला दो परसेंट यहाँ से भी चला गया इससे भी कुछ नहीं मिला पैंतीस प्रतिशत ने हमको कुछ नहीं दिया लेकिन चौदह प्रतिशत से हमको मिला है तापमान कहाँ पे मिला है ये ये मिला है हमको वायुमंडल में वायुमंडल इस चौदह प्रतिशत से गर्म हो जाएगा अब यहाँ पर धरातल से जो इक्यावन प्रतिशत सूर्य तब टकराया है इसका परिणाम ये होगा कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो गर्म होने लगेगी पृथ्वी की सतह जैसे जैसे गर्म होगी तो जो वस्तु गर्म होती है वो अपनी एनर्जी को बाद में इमिट करती है यानी बाहर फेंकती है और रेडिएशन के रूप में जो भी वस्तु गर्म होगी वो अपनी ऊर्जा को रेडिएशन के रूप में बाहर निकालती है जैसे सूरज निकालता है रेडिएशन के रूप में सूरज से जो रेडिएशन निकलता है वो होता है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है नियम ये कहता है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाला रेडिएशन का जो वेवलेंथ है तरंग दर्द है वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी तो क्या पृथ्वी की तरंग दर्द इसी तरह छोटी तरंग दर्द होगी या ज़्यादा होगी तो पृथ्वी से जो अब विकिरण निकलेगा क्योंकि ये भी गर्म हो गई कितना इक्यावन प्रतिशत इससे टकराया है सूर्य तप तो ये जो इक्यावन प्रतिशत है ये पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी इससे जो है रेडिएशन छोड़ना शुरू कर देती हैं तो अब पृथ्वी से भी रेडिएशन निकलना प्रारंभ हो जाएगा चारों तरफ निकलेगा पृथ्वी से भी जो है और यह जो कहलाता है यह जो रेडिएशन है यह कहलाता है पार्थिव विकिरण पार्थिव जो पृथ्वी से निकलता है इधर लिख देता हूं मैं यह है पार्थिव विकरण चलिए ब्लैक कलर में यूज करता हूं पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन के लिए सिर्फ ब्लैक कलर यूज करेंगे पार्थिव टेरिस्ट्रियल रेडिएशन और यह दीर्घ तरंग दैर्ध्य का होता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य यानी कि बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे होती हैं पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो जलवाष्प है या कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो होते हैं ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण को ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं यानी कि यहाँ से जो तरंग दैर्ध्य आ रही थी लघु तरंग दैर्ध्य थी लघु तरंग दैर्ध्य को वायुमंडल के जो घटक होते हैं जैसे गैसें हैं जैसे जलवाष्प है गैसें कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है ओजोन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है तो ये सब जो है इन लघु तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ज़्यादा नहीं अवशोषित कर पाती हैं इसीलिए आपने देखा यहाँ पे चौदह प्रतिशत ही अवशोषण हुआ है लेकिन जब पृथ्वी से तरंगे निकलेंगी तो पृथ्वी गर्म कम है इस वजह से इसकी तरंगें ज़्यादा बेवलैंथ की हैं ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की हैं तो इनका अवशोषण वायुमंडल के घटक ज़्यादा कर लेंगे तो वायुमंडल को जो गर्मी प्राप्त होगी यानी वायुमंडल का जो तापमान बढ़ेगा वो पृथ्वी से निकलने वाली किरणों से ज्यादा बढ़ेगा ना कि सूर्य वाले से तो सूर्य से 14 परसेंट आया था अब जरा यहां से कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें से कितना आएगा तो यहां से पहले आप यह देखें कि 6 प्रतिशत छ प्रतिशत जो है वो प्रभावी विकिरण है प्रभावी विकिरण कितना 6 प्रतिशत प्रभावी विकिरण क्या होता है प्रभावी विकिरण वो विकिरण हो जाएगा जो सीधे वायुमंडल को गर्म कर दे यानी पृथ्वी से विकिरण निकला और सीधे सीधे वायुमंडल के घटकों ने उसको अवशोषित कर लिया तो उसको कहते हैं प्रभावी विकरण इफेक्टिव रेडिएशन ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के निकलने वाले विकिरण का कितना परसेंट इफ़ेक्टिव रेडिएशन है तो इफ़ेक्टिव रेडिएशन का मतलब है जिस रेडिएशन से सीधे वायुमंडल गर्म हो गया तो 6 परसेंट रेडिएशन ऐसा होता है जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है तो 6 परसेंट क्या है प्रभावी विकिरण अब इसमें से कुछ जो है जो सम्वाहन और विक्षोभ में खर्च हो जाता है यानी सम्वाहन तरंगे उत्पन्न करने में टर्बुलेंस यानी विक्षोभ उत्पन्न करने में तो वो कितना है वो है नौ प्रतिशत नौ प्रतिशत किस में खर्च होता है नौ प्रतिशत ये संवाहन और विक्षोभ टर्बुलेंस कन्वेक्शन और विक्षोभ में कितना नौ प्रसेंट अब कुछ रेडिएशन जो है जल को भाप बनाने में भी तो खर्च होगा तो वो है उन्नीस प्रतिशत उन्नीस प्रतिशत जो है रेडिएशन वो वाष्पीकरण में खर्च होता है कितना उन्नीस प्रतिशत 19 प्रतिशत वाष्पीकरण यानि कि यह जो है जल को भाप बनाने में खर्च होता है अब ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी 6 परसेंट वायुमंडल को गर्म किया ये जो नौ परसेंट है संवाहन और विक्षोभ में यह भी तो वायुमंडल में ही जा रहा है वायुमंडल में ही तो वो हवा है तो वो भी वायुमंडल में ही जा रहा है ये जो उन्नीस परसेंट भाप बनकर के जा रहा है पानी तो ये पानी कहाँ जा रहा है ये भी तो हवा में ही जा रहा है और ये हवा का घटक भी है जलवाष्प तो ये उन्नीस प्रतिशत ये नौ प्रतिशत और ये 6 प्रतिशत ये टोटल मिला करके हो जाता है चौंतीस प्रतिशत चौंतीस प्रतिशत पुनः वातावरण में पहुंच गया वातावरण को गर्म किया इसने और ये कहाँ से आया है ये पृथ्वी द्वारा निकलने वाले रेडिएशन से चौंतीस प्रतिशत जो है वायुमंडल को गर्म करता है या वायुमंडल में अवशोषित हो रहा है तो ये देखिए टोटल कितना आया ये उन्नीस ये नौ और ये छः ये हो गया थर्टी फोर परसेंट वायुमंडल वायुमंडल में अवशोषण अब यहीं पर आपका एक उत्तर निकल आया कि वायुमंडल ज्यादा गर्मी प्राप्त करता है सूर्य तप से या पार्थिव विकरण से पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन सूर्य तप यानी सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन तो क्वेश्चन है कि वायुमंडल किस विकिरण से ज्यादा गर्म हो रहा है तो जरा देखिए आप जो सूर्यतप से आ रहा था तो परसेंट वायुमंडल ने ग्रहण किया बाकी वो ग्रहण नहीं कर पाया और जो पृथ्वी से निकला उसमें से चौंतीस प्रतिशत वायुमंडल ने ग्रहण कर लिया एट लास्ट अगर देखें तो है ये सूर्य का ही परिणाम लेकिन ये पृथ्वी के थ्रू आया तो थर्टी परसेंट और थर्टी फोर परसेंट परसेंट टोटल वायुमंडल में पहुंच गया आपका फोर्टी एट परसेंट लेकिन पृथ्वी से ज्यादा पहुंचा तो यही आपका उत्तर है कि पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन वायुमंडल को ज्यादा गर्म कर देता है ये जुड़ करके निकले टोटल फोर्टी एट परसेंट वायुमंडल में वायुमंडल में पहुंच गया फोर्टी एट परसेंट आपका वायुमंडल में दो रास्तों से पहुंचा है अलग अलग याद रखिएगा अब ये फोर्टी एट परसेंट जो वायुमंडल में पहुंचा है ये भी जो है बाद में अंतरिक्ष में चला जाएगा अंतरिक्ष में क्योंकि वायुमंडल में जो है ये भी अंतरिक्ष में जाएगा और ये भी अंतरिक्ष में जा रहा है अंतरिक्ष में अभी कुछ कम है अभी ये फोर्टी एट परसेंट थर्टी फोर परसेंट ही तो पृथ्वी का निकला है तो यहां पे इक्यावन तो ये और इसमें का कहाँ गया कितना लगभग सत्रह परसेंट कहां है तो सत्रह परसेंट जो है पृथ्वी का जो रेडिएशन है वो निकलता है और सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है सत्रह परसेंट अंतरिक्ष में यानी कि 17 परसेंट पृथ्वी वाला रेडिएशन भी सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है तो इस प्रकार से अब बजट की बात करें क्योंकि बजट आपको दिखाना है कि कितना आया और कितना गया पृथ्वी से टोटल पृथ्वी पे जो सूर्य तप आ रहा है वो 100 परसेंट है पृथ्वी ने प्राप्त किया इक्यावन परसेंट अब इसका बजट देखें आपने सन का बजट देख लिया सन ने कितना कितना कहाँ पे भेजा सन का 100 परसेंट कहां खर्च हुआ 27 परसेंट बादलों ने वापस किया 6 परसेंट प्रकर्णन से गया और 2 परसेंट धरातल से गया 35 चला गया अंतरिक्ष में इक्यावन प्राप्त किया पृथ्वी ने 14 प्राप्त किया वायुमंडल ने टोटल 100 हो गया यानी सूर्य का बजट सही है अब पृथ्वी का बजट देखें पृथ्वी का प्राप्त किया इक्यावन परसेंट अब इक्यावन परसेंट का खर्चा तो दिखाना पड़ेगा कहाँ गया इक्यावन परसेंट इक्यावन में से सत्रह परसेंट अंतरिक्ष में चला गया जैसे ही विकिरण निकला उसको कोई नहीं पकड़ पाया ना उसने कुछ भी किया वो जो है सत्रह परसेंट अंतरिक्ष में चला गया उसमें से छः परसेंट निकला छः परसेंट प्रभावी विकरण है जिसने गैसों को गर्म किया दूसरा नौ परसेंट संवाहन तरंगों के जनरेशन में टर्बुलेंस उत्पन्न करने में ये भी वायुमंडल में पहुंचा उन्नीस प्रतिशत पानी को भाप बनाने में यानी वाष्पीकरण की क्रिया में खर्च हुआ टोटल चौंतीस प्रतिशत ये जो है वायुमंडल में आ गया तो चौंतीस और सत्रह चौंतीस और सत्रह मिला के आपका हो गया इक्यावन परसेंट ये इक्यावन परसेंट पृथ्वी ने बाहर फेंक दिया यानी पृथ्वी का इक्यावन प्राप्त किया इक्यावन बाहर गया अब यह गया कहाँ सूर्य का चौदह परसेंट वायुमंडल में है विद्यमान पृथ्वी वाला भी चौंतीस परसेंट वायुमंडल में है विद्यमान यानी वायुमंडल में कितना आ गया अब वायुमंडल का बजट भी तो समझना पड़ेगा क्योंकि वायुमंडल ने जो अड़तालीस प्राप्त किया वो कहाँ गया तो वो अड़तालीस अंतरिक्ष में चला जाएगा धीरे धीरे करके वो भी बाहर हो गया तो सभी का जो जितना प्राप्त किया उतना वापस चला गया यानी बजट क्या है संतुलित हो गया यानी कि जितना प्रवेशी विकरण है उतना ही बहिर्गमन वाला विकरण है बैलेंस जीरो है कुछ भी नहीं बचा किसी के पास तो ये है आपका त्रिवार्था का त्रिवार्था का पृथ्वी का बजट हीट बजट उष्मा बजट ये बहुत सरल है बहुत इजी है आपको इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको इसी तरीके से लिखना भी है इसको तीन चरण में आप तोड़िएगा सूर्य का बजट हंड्रेड परसेंट पूरा दिखाना है कहाँ कहाँ कितना गया 35 वहाँ गया इक्यावन यहाँ आया और 14 वायुमंडल में गया ये सूर्य का बजट हो गया पृथ्वी का बजट इक्यावन कहाँ कहाँ गया चौंतीस गया वायुमंडल में सत्रह गया अंतरिक्ष में जो चौंतीस है उसके तीन भाग हैं तीनों को आपको दिखाना है फिर वायुमंडल का बजट हेडिंग डालिएगा वायुमंडल के बजट में चौदह प्राप्त किया कहाँ से सूर्य से और चौंतीस प्राप्त किया पृथ्वी से टोटल मिला के फोर्टी एट फाइनल कहाँ गया अंतरिक्ष में तो हंड्रेड अंतरिक्ष से आया हंड्रेड अंतरिक्ष में चला गया जीरो हो गया बैलेंस क्या है जीरो है लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि बैलेंस भले ही जीरो हैं तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो स्थिर है पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बैलेंस जीरो नहीं होता तो तापमान पृथ्वी का लगातार बढ़ता चला जाता हालांकि इस समय एक समस्या आप सुन रहे हो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी बैलेंस ज़ीरो नहीं कर पा रही है यही वो समस्या है अगर पृथ्वी का ये पूरा बजट ज़ीरो रहेगा तो पृथ्वी का तापमान कितना है पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 15 ही बना रहता है क्योंकि जितना हमने यहाँ पे देख लिया जितना प्राप्त हुआ उतना से बाहर चला गया तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता नहीं है लेकिन एक समस्या वर्तमान में ये आ रही है कि पृथ्वी का तापमान में कुछ वृद्धि देखी जा रही है तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि उसमें समस्या ये आ रही है कि वायुमंडल मेन फैक्टर है वायुमंडल वायुमंडल में आपको हमने बताया कि सी ओ टू गैस जो है जलवाष्प जो है और सी ओ टू ये जो होते हैं वो एनर्जी को ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं पृथ्वी से निकलने वाली एनर्जी को और हम प्रदूषण के द्वारा जो है सी ओ टू जैसी जो गैसें हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में भेज रहे हैं वायुमंडल में तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस साइकिल में किस चीज़ में बढ़ोतरी हो जाएगी हमको ये बताइए क्या इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी इसमें नहीं होगी यहाँ पे बढ़ोतरी होगी ये जो वायुमंडल अवशोषित कर रहा है सूर्य तप को या पार्थिव विकरण को तो वायुमंडल के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे खाने वाले ज़्यादा लोग बढ़ गए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पहुँच गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा ये एनर्जी भी पकड़ लेगा वो एनर्जी भी पकड़ लेगा सारी एनर्जी को वो पकड़ के यहाँ पर इकट्ठा करने लगेगा यानी जो फोर्टी है ये ज़्यादा होने लगेगा ज़्यादा वायुमंडल गर्म होने लगेगा अब आप कहोगे कि वायुमंडल जो गर्म होने लगेगा तो वो वायुमंडल तो भी अंतरिक्ष में सब भेज देता है तो फिर क्या हुआ वो जीरो हो जाएगा नहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसी एक लेयर बनाती है जो इस विकिरण को आने तो देती है अंदर यानी कि वायुमंडल में ये लघु तरंग दर्द वाली किरणें तो अंदर आ जाएंगी आपको हमने बताया था कि लघु तंग तरंग दर्द वाली किरणें जो है वायुमंडल को आसानी से पार कर लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह दीर्घ तरंग दर्द को ज़्यादा पकड़ते हैं अब जब पृथ्वी पे पृथ्वी गर्म होगी तो ये दीर्घ तरंग दर्द वाली तरंगे बनाएगी और दीर्घ तरंग दर्द वाली किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेगी यानी उनको ऊपर नहीं जाने देगी यानी ये जो सत्रह परसेंट है जो सीधे ऊपर चला जाता है ये कम पड़ने लगेगा और यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगेगी इस वजह से पृथ्वी का तापमान जो है वो कुछ न कुछ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और बढ़ रहा है ऐसा मानते हैं इसीलिए जिसको कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग पे जब चैप्टर करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे आशा है यहाँ पर उस चीज़ को आपने समझ लिया होगा तो ये है आपका उष्मा बजट लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आपको और जाननी हैं जैसे कि काउंटर जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है यानी कि प्रतिलोम विकिरण और नेट विकरण दो चीजें और आप समझ लीजिए बस ये चीजें क्या हैं प्रतिलोम विकिरण और एक शुद्ध विकिरण ये दो चीजें आप जान लीजिए बस आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा देखिए ये सब कुछ आपने समझ लिया कि ये सब जीरो हो गया अंत में अब यहां पे प्रतिलोम विकिरण यानी कि काउंटर रेडिएशन क्या है काउंटर रेडिएशन का मतलब ये है कि जो पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है ये पूरी तरीके से अंतरिक्ष में न जा करके यहाँ पर जो वायुमंडल के घटक हैं ये कुछ मात्रा में इसका रेडिएशन पुनः पृथ्वी पर वापस कर देते हैं यानी कि ये जो टोटल सब ऊपर जा रहा है ये भी वायुमंडल से टकराता है और कुछ फिर से वायुमंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है तो उसका आना और उसका खर्चा तो हमने पढ़ा नहीं तो ये बहुत सरलीकृत रूप है वो भी एट लास्ट जीरो हो जाएगा फाइनली लेकिन उसका एक नाम दिया गया है कि जो पृथ्वी से निकलने वाले विकरण का कुछ पार्ट बहुत कम पार्ट वायुमंडल के घटकों के द्वारा परावर्तित करके पुनः वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है वो भी पृथ्वी को गर्म करता है वो कहलाता है प्रतिलोम विकरण यानी इसको कहते हैं री रिफ्लेक्शन पुनः रिफ्लेक्ट हो जाना या काउंटर रिफ्लेक्शन बस इतना आपको जानना है शुद्ध विकिरण क्या है यानी नेट रेडिएशन क्या है तो आपने देखा कि 100 परसेंट आया 100 परसेंट चला गया तो नेट प्रॉफ़िट क्या है जीरो यानी नेट रेडिएशन क्या है जीरो है तो यह सर्वथा सत्य नहीं है रेडिएशन नेट जीरो है ये मानते हैं पूरा एवरेज निकाला गया है लेकिन जब लोकल रूप से देखेंगे क्षेत्रीय रूप से देखेंगे तो हर एक स्थान पर नेट रेडिएशन जीरो नहीं होता है पूरी पृथ्वी का एवरेज तो ज़ीरो आ गया लेकिन अलग अलग अच्छा पर कहीं पर क्या होता है कि ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है उसको कहते हैं कि एनर्जी सरप्लस एरिया है और कहीं कहीं पे ऊर्जा कम पड़ जाती है उसको कहते हैं एनर्जी डेफिसिट एरिया है यानी कि यहाँ पर ऊर्जा की कमी वाला क्षेत्र है तो ऊर्जा की अधिकता वाले क्षेत्र कौन से होते हैं जहाँ पर जो ये सूर्य का विकिरण प्राप्त ज़्यादा हो और खर्च कम हो रफ्तार यानी प्राप्त होने की रफ़्तार ज़्यादा हो खर्च होने की रफ़्तार कम हो इसको आप अपने बजट से सोचिए आपकी सैलरी एक लाख रुपये महीना हो और खर्च आपका अस्सी हज़ार रुपये महीना हो तो आपके पास बीस बीस हज़ार रुपये हर महीने बचने लगेगा तो वहाँ पे आपके पास सरप्लस हो जाएगा यानी अधिक हो जाएगा पैसा तो जहाँ पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन की तीव्रता ज़्यादा है और खर्च होने की तीव्रता कम है और ऐसा होता है 20 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य में यानी पृथ्वी का 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के मध्य का जो एरिया है या आप कह सकते हो कर्क से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है लगभग वहाँ पे सूर्य तप आने की रफ़्तार ज़्यादा है और उसके खर्च होने की रफ़्तार कम है इसी वजह से वहाँ पे एनर्जी का अधिक्य है इसीलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है क्योंकि इसी का आगे परिणाम तो वायुमंडल को गर्म करना ही है तो आगे चल के वायुमंडल वहाँ पर ज़्यादा गर्म रहेगा अब दूसरा देखें जो सत्तर वाली लाइन है लगभग सत्तर के आसपास यहाँ पे जीरो रहता है सत्तर के आसपास जितना प्राप्त होता है उतना खर्च होता है यानी बैलेंस बिल्कुल फिनिश जीरो जो ध्रुव है नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे खर्च ज़्यादा होता है प्राप्त बहुत कम होता है इस वजह से यहाँ पर एनर्जी डेफिसिट की कंडीशन यानी जो ऊर्जा है उसकी कमी की कंडीशन बन जाती है तो पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर एनर्जी सरप्लस कहीं पर एनर्जी डेफिसिट यानी कम कहीं पे ज़्यादा लेकिन पूरा एवरेज ओवरऑल देखेंगे तो पृथ्वी का जो नेट रेडिएशन है यानी जो शुद्ध विकिरण है वो जीरो यानी जितना प्राप्त किया उतना खर्च कर दिया तो इसमें आशा है आपको कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है हीट बजट में जो भी है बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में जब हम बात करेंगे कि इस सूर्य तप से हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होता है क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होगी जब वायुमंडल गर्म होगा तो फिर वाष्पीकरण बढ़ेगा बादल बनेंगे वर्षण होगा ये सारी चीज़ें पवने चलेंगी वायुदाब बढ़ेगा में बहुत सी चीज़ें हैं उन सबको हम एक एक क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद